जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल टोटके मंत्रा में आप सबका। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की शुभकामना देना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है दोस्तों, ऐसे में बहुत से व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिंदगी में जिनके दुश्मन होते हैं, और वो दुश्मन से इस कदर परेशान रहते हैं कि उनसे छुटकारा पाने की कोशिशें तो करते हैं लेकिन उनको नाकामयाबी ही हाथ लगती है। दोस्तों हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत सी कॉलें आती हैं कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारा दुश्मन जो है हमारा बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, कोई परेशान रहता है कि हमारे घर पर काला जादू करवा रखा है। तो ऐसे में हमने एक दिन सोचा कि क्यों ना सभी के लिए एक वीडियो लेकर आ जाए जिससे कि सभी को फायदा हो और वो अपने दुश्मन को काबू में कर सके। उम्मीद है अगर आप इस टोटके को अपनाएंगे जिंदगी में अपने तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि ये टोटका बहुत चमत्कारी है, प्राचीन काल का टोटका है। जी हाँ दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी में इस टोटके को अपनाएंगे आप तो आप जरूर सफल होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी समस्या को हल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों जिंदगी में वैसे दुश्मनों की कमी नहीं होती, और छोटे मोटे दुश्मन तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके कारोबार में रुकावट आनी शुरू हो जाए, जो आप काम करते हैं वो रुकने शुरू हो जाए, ये घर पर आपके तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो आपके दुश्मन आप पे काला जादू करवाते हैं, अब तब उनमें परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उन दुश्मनों पर कैसे रुका जाए, उन दुश्मनों पर कैसे हावी होया जाए? तो दोस्तों अगर ये टोटका अपनी ज़िंदगी में आप अपनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने दुश्मन पर हावी हो सकते हैं। यह है दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय, दुश्मन से बदला कैसे लिया जाए। उम्मीद है अगर इस टोटके को अपनी ज़िंदगी में आप अपना लिया तो आप बहुत जल्द ही इसमें सफलता भी पा लेंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि मैंने एक नींबू लिया हुआ है, साथ में 3 लौंग हैं और साथ में एक लाल कपड़ा है। दोस्तों अब आपने भी इसी प्रकार से ही सामग्री चाहिए होती है। जैसे कि दोस्तों आप नींबू का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, घर में इसका लगभग इस्तेमाल होता ही है, तो बड़ी आसानी के साथ पर्याप्त मात्रा में आपको लौंग भी मिल जाएंगे, नींबू भी मिल जाएगा और साथ में लाल कपड़ा भी आपको मिल ही जाता है। दोस्तों ये वशीकरण करना ज़्यादा मुश्किल कार्य भी नहीं है। अगर समस्या आपकी बड़ी हो, उस पर हल करना हो, तब तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों ये टोटका करना चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिन्होंने इस टोटके को अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, वो सफल भी हुए हैं। दोस्तों अगर आप समस्या को लेकर परेशान हैं अपनी, तो इस टोटके को जरूर कीजिएगा। हम मैं सबसे पहले दोस्तों नींबू लेना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नींबू पर आप अपने जो भी आपके दुश्मन का नाम है, अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं कि आपको परेशान कौन कर रहा है, आपका दुश्मन कौन है जिस पर आप हावी होना चाहते हैं, तो नींबू पर अपने नाम लिखना होता है। ये क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी शनिवार के शाम 6 बजे के बाद ही करनी होती है। जैसे कि दोस्तों निश्चित समय के अनुसार आप कार्य करेंगे तभी आप इसमें सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले तो अपने दुश्मन का नाम लिख लेंगे। जैसे कि आपके, मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रमेश लिख देता हूँ, लेकिन जो भी आपके दुश्मन का नाम है वही आपने लिखना होगा। दोस्तों अब देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर रमेश लिखा है। अब आपने एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लेना होता है। इस प्रकार से आपने एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और ये नींबू दोस्तों एक लाल कपड़े के ऊपर ऐसे रख देना है। अब दोस्तों एक प्रभावी प्राचीन काल की मंत्रा जिसका आपने जाप करना होता है। ये दोस्तों मंत्रा पावरफुल होने की वजह से आप सही विधि के साथ अगर इसका जाप नहीं कर पाए तब दोस्तों इस वशीकरण को करने में आप सफलता नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे में आप हमारे दिए नंबर पर एक बार कॉल कर हमारे गुरुजी से ये मंत्र जरूर जाने, क्योंकि ये मंत्र प्रभावी है और दोस्तों सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आप सफल होंगे। अगर दोस्तों आपकी बहुत ही बड़ी कोई समस्या हो तब क्या करें, आप पे दुश्मन हावी होने लगे, आप जानते हैं नाम उनका, हमको डेट ऑफ बर्थ भी पता है, आप अपनी समस्या हमें शेयर करना चाहते हैं, तब दोस्तों आप हमें कमेंट कर हमें बता सकते हैं अपने दुश्मन का नाम साथ में डेट ऑफ बर्थ। हम तुरंत ही रिप्लाई करेंगे और आपको दुश्मन पर दोस्तों छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय रहते अगर सही उपाय कर लिए जाएं तब तो दोस्तों उसमें सफलता आपको मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों समस्या चाहे आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो हल आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब करना क्या है, इस प्यारे को आगे देख लीजिए, टोटके को जान लीजिए कि मैं कैसे इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब नींबू अपने इस लाल कपड़े के ऊपर ऐसे रख लिया, साथ में 3 लौंग रख ली। अब दोस्तों अपने मंत्रा जो मैं बता रहा हूँ आपको
उस मंत्रा का दोस्तों आपने 551 बार बोलना होता है और एकांत स्थान पर बोलना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी भी प्रकार से दोस्तों कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों जो विधि आप कर रहे हैं, अब इसको सही तरीके से करेंगे, तीन दिन लगते हैं दोस्तों इस क्रिया को करने में। अब 3 दिन इस क्रिया को कर लेंगे दोस्तों, हर रोज आपने ये पोटली जो है लाल कपड़े की सहायता से इसे बांध कर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज बांध के ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ कोई आपको इसको छू ना पाए। अब 3 दिन इस क्रिया को कर लेंगे, चौथे दिन आपने क्या करना है दोस्तों, जो नींबू लिया है, जो लौंग लिए हैं, इन लौंगों को तो हो सकता है दोस्तों अपने दुश्मन के पैर के नीचे गिरा दिए गए। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो दोस्तों किसी भी चलते पानी में इन क्रियाओं को जो भी सामान लिया है उसे बहा दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपका दुश्मन जो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, और फिर कभी भी आपका दुश्मन आपको तंग नहीं करेगा, आपके अड़े नहीं आएगा, और दोस्तों आपसे दुश्मन माफ़ी मांगने तक आ सकता है। इतना प्रचंड ऋषिकण डॉट का है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको फायदा होगा, और जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने दुश्मन से वो इस टोटके को जरूर करें, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल टोटके मंत्रा को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए बहुत से ऐसी समस्याओं पर हल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से फायदा होगा उन व्यक्तियों को जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने दुश्मन से और दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।